अभी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि जिस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ने ये कॉल रिकॉर्ड्स हासिल करने की कोशिश की, उसे अरेस्ट किया जा चुका है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। और मैं समझता हूँ अन्य दो लोग भी जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको भी पुलिस गिरफ्तार करेगी। मैंने ऐसा दुस्साहस यदि कोई पुलिस कांस्टेबल अथवा कोई भी व्यक्ति यदि करता है किसी की कॉल डिटेल हासिल करने के लिए और अनऑथराइज तरीके से, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा एक क्राइम है। लेकिन ये बात भी सामने आ रही है कि किसी पर्टिकुलर केस पॉन्डिचेरी के केस के सिलसिले में ये कॉल रिकॉर्ड्स जाने को, अब इसकी मुझे जानकारी नहीं है इसलिए इस पर कमेंट नहीं करूँगा।